मैं आपको मेरा मेघालय का एक और सफ़र पर लेकर जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ उमराव। उमराव एक गांव है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत नज़दीक में है और वो शिलोंग से 100 किलोमीटर जैसा दूर है। और जर्नी मेरा कुछ इस प्रकार है। अभी टाइम हो चुका है 5:24। अभी धीरे धीरे करके ठंड बढ़ रही है तो मैं अभी ये जैकेट पहन ले आऊँ। और ये जो अभी मैं जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है माकुरा वाट। थोड़ा सा खाना खाएंगे। और अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब सुबह सुबह का टाइम में बहुत भीड़ होता है, मगर अभी शाम का टाइम में क्या कि यहाँ पे कर्फ्यू हो रहा है और लोगों से स्टडी जैसे यहाँ पे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा और 6 बजे लोग बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी बहुत दुकान बंद बंद था। खाना खाने के बाद हम गाँव की तरफ आगे बढ़ गए क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर गाँव पहुँचने के बाद मेरा मुलाकात हुआ फ्रांसिस से। फ्रांसिस ने मुझे बताया कि हम लोग गाँव अगला दिन घूमेंगे। फिर अगला दिन हम गांव घूम रहे थे और ना ही मुझे खांसी आता था और ना ही उसको मेरा भाषा आता था जो मुझे आता है, और हम लोग ऐसे इशारों इशारों में बातचीत कर करके फिर घूमने वाटरफॉल खांसी क्रिटिंग कुमनो वाटरफॉल उम उम शाय शायद शायद मेरे ख्याल से शायद वाटरफॉल को शायद शायद बोलते हैं शायद। यहाँ पे पत्थर है और यहाँ में एक पत्थर है, मगर अभी मुझे पता नहीं ये पत्थर क्या चीज़ का बारे में, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। फ्रांसिस को मैंने पूछा, उसको नहीं पता बोला इसके बारे में, और अगर उसको पता भी होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा तो मैं शायद उतना खास समझ ना पाऊँ। यहाँ के लोग गोलमरीच, तेज़पत्ता, तामुल पान, झाड़ू का मार्केट में बिक्री करके अपना घर चलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, फ्रांसिस ने मुझे बताया ना, ये झाड़ू है, ब्रूम। और इन लोगों का गोल मरीच और तेज पत्ता एक स्पेशल टाइप का होता है, इसे कुकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है।